नमस्ते बच्चों, स्वस्ति शिक्षण संकुल के आज के ऑनलाइन वीडियो में फिर से मैं एक बार आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा है सीनियर केजी और विषय हमारा है गणित मैथ, और आज हम पाठ नंबर 23 पढ़ रहे हैं। बच्चों मैंने आपको इकाई 62 में समझाया था, जो संख्या लिखी थी हमने 31 और 35 को पहचानो, पढ़ो और लिखो। जो आपने होमवर्क कर दिया, मैंने आपके गणित के नोटबुक में आपको लिखने के लिए बोला था, तो पढ़कर आपको बोलकर लिखना था बच्चों। तो ये आपका होमवर्क हो चुका होगा। चलिए आज हम पार्ट नंबर 23 में देखते हैं। आज हमारी संख्या है 36 और 40। पहचानो, पढ़ो और लिखो। तो आपको आज इकाई तिरसठ में आपको सीखना है ना। चलिए ये कितने हैं बच्चों, कितने हैं, ये है 36, कितने हैं 36। तो चलिए पढ़कर हमें आज लिखना है। यहाँ पे आपको बिंदु दी, उस पर पेंसिल चलाते हुए आपको बोलना भी है और लिखना भी है। चलिए 3 और 6 36, 3 और 6 36, 3 और 6 36, 3 और 6 36, 3 और 6 36। देखिए बच्चों, हमने जो बिंदुए दी थी उस पर पेंसिल चलाते हुए हमने यहाँ तक लिख लिया। अभी आगे आपको यहाँ पे बिंदुए दी है क्या, नहीं, तो हमें पेंसिल के सहायता से, यानी कि आपने अब तक लिखा तो आपको पहले 3 निकालने हैं, फिर आपको 6 निकालने हैं, 36, उसी तरह से 3 निकालने हैं, फिर 6 निकालने हैं, 36, फिर से हमें 3 निकालने हैं और उसके बाजू में 6 निकालने हैं, 36, 3 और 6 36, ऐसे बोल बोल को आपको संख्या लिखनी है। बाद में है आपके यहाँ पे 37, कितने हैं बच्चों, 37, 3 और 7 37। चलिए बिंदुओं पर पेंसिल चलाएंगे धीरे धीरे, 3 और 7 37, 3 और 7 37, 3 और 7 37, 3 और 7 37, 3 और 7 37। इस तरह से आपको बोलना है और पढ़ना भी है। देखिए हमने बिंदुएं जहाँ तक दी थी वहाँ पे पूरा कर दिया, अभी खाली बॉक्स में हम लिखते हैं। 3 लिखने हैं आपको, 3, और फिर 7 लिखने हैं, 37, 3 और 7 37, 3 और 7 37, 3 और 7 37, 3 और 7 37। देखो इस तरह से आपको ये पूरा करना है, बोलते जाना है, लिखते जाना है। ओके बच्चों, समझ में आ गया। इसे कितना बोलेंगे, 36, इसे कितना बोलेंगे, 37, 3 और 7 37, 3 और 6 36। चलिए आगे आपको दिया है 3 और 8, कितना है, 38। चलिए बिंदुओं पर पेंसिल चलाएंगे, 3 और 8 38, 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 3 और 8 38। देखो बच्चों, यहाँ पे हमने जो बिंदुएं थी उस पर पेंसिल चलाते हुए पूरा कर लिया। अभी आगे आपको यहाँ पे लिखना है 3 और 8, 3 और 8 38, 3 और 8 38,
तीन और आठ 38, तीन और आठ 38, इस तरह से आपको लिखना है बच्चों। देखिए ये हमारे 38 हुए। अब आगे आपको यहाँ पे दिया गया है कितना है बच्चों, 39, कितने हैं 39। चलिए पेंसिल चलाते हैं और बोलते जाते हैं और लिखते जाते हैं। तीन और नौ 29, तीन और नौ 39, सॉरी बच्चों 29 बोला मैंने, 39। तीन और नौ 39, 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 तीन और नौ 39। देखिए इस तरह से आपको 36, 37, 38, 39 हो गए हमारे। अब हमारे बचे हैं 40। चलिए इस पर बिंदु पर पेंसिल चलाते हुए हम पूरा करेंगे। चार और जीरो 40, चार और जीरो 40, चार और शून्य, शून्य बोलेंगे ना, जीरो यानी इंग्लिश में हो गया, तो हम चार और शून्य 40, चार और शून्य 40, चार और शून्य 40, इस तरह से हम लिखेंगे बच्चों। अब हमारे बिंदु ख़त्म हो गए तो हमें खुद लिखना है यहाँ पे, तो हम लिखेंगे चार और शून्य 40, चार और शून्य 40, चार और शून्य 40, चार और शून्य 40, इस तरह से। देखिए आपको पता चल गया बच्चों किस तरह से हमें ये संख्या जो है हमारी 36 और 40 पहचान कर पढ़नी है और लिखनी भी है। और जो मैं अभी हमने ये किया है वो सारा आपको आपके जो आपकी गणित की बुक है उसमें लिखना है। आपको ये लिखना है, तीन बार लिखना है, पढ़ना है, बोल बोल कर लिखना है बच्चों। चलो फिर से एक बार हम देख लेते हैं। 36, 37, 38, 39, 40, हो गया ना। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिया है, आपको बोला है कि संख्या 31 से 40 क्रम में लिखो। तो चलिए हम फिर से एक बार बोल बोल के पढ़कर हम बोल कर लिखते हैं। यहाँ पे 31 दिए हैं, तीन और एक 31, तीन और एक 31, तीन और दो 32, तीन और तीन कितने होते हैं बच्चों 33, तीन और चार 34, तीन और पाँच 35, तीन और छः 36, तीन और सात 37, तीन और आठ 38, तीन और नौ 39, चार और शून्य 40, चार और शून्य 40। इस तरह से आपको पढ़ना भी है और लिखना भी है बच्चों, और अच्छे से आपको याद हो जाएगा। आप ऐसा पढ़ोगे और लिखोगे बोल बोल के तो आपको जल्दी से याद हो जाएगा। तो देखो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही बच्चों, आगे की वीडियो में हम आगे का पार्ट नंबर 23 देखेंगे, आज हम सॉरी बच्चों 24 देखेंगे। आज जो है हमारा पार्ट नंबर कौन सा था 23, है ना। तो ये पूरा हो गया है बच्चों, आपको ये मैथ के नोटबुक में लिखना है, पहचान कर आपको पढ़ कर ये लिखने हैं। संख्या 36 से 40 तक। ओके बच्चों, जय गायत्री बच्चों।